भादो मास के शुक्ल पक्ष की आज हड़तालिका तिथि है। आज मां गौरी का महोत्सव है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, बहुला चतुर्थी को गणपति बप्पा का जन्मोत्सव आता है। तो कल बहुला गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा का जन्मोत्सव है। कठुआ की इस पावन धरती पर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को श्री गणेश महोत्सव ट्रस्ट की तरफ से मनाया जाता है। मेरा सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है, सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सभी गांववासियों से, सभी शहरवासियों से, सभी धर्म प्रेमियों से, यहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरा सभी धर्म प्रेमियों से ये विनम्र निवेदन है कि गणपति बप्पा के इस जन्मोत्सव समारोह में आप आए, भगवान गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणपति बप्पा विघ्नों का नाश करने वाले हैं, वो विघ्न हरता है, वो विघ्नों का नाश करने वाले हैं। गणपति बप्पा संकटों का निवारण करते हैं। पूरे विश्व में कल गणपति बप्पा के इसी प्रकार के हजारों लाखों पंडाल जो हैं पूरे देश भर में लगाए जाते हैं। तो कठुआ की पावन धरती पर कल ये आयोजन जो है, ये यहाँ पर पुराना गर्ल हाई स्कूल होता था, ये गांधी हॉस्पिटल के पास यहाँ पर ये कार्यक्रम है। हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक पूजा हवन चलेगा और सायंकाल 7:30 से 8:30 बजे तक भजन संध्या होगी और रात्रि 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यो रासलीला का कार्यक्रम है जो हर वर्ष यहाँ दिखाया जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कल जो मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, ये मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम 11:30 बजे से प्रारंभ होगा और 2:30 बजे तक चलेगा। पहले गणपति बप्पा की आराधना होगी, फिर पूजा होगी, आराधना होगी, फिर हवन होगा, फिर भगवान गणपति बप्पा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो यहाँ पर होगी। गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना है। मेरा सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने परिवार सहित आए, क्योंकि गणेश पुराण में इस बात का वर्णन आता है कि जो इन 10 दिनों में गणपति बप्पा के पूजन में, हवन में, इसके जज में, इसमें भजन कीर्तन में सम्मिलित होता है, उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये मेरे बड़े मंगल पर्व की घड़ियां हैं। इस मंगल पर्व की घड़ियों को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, आप लाभ उठाइए। आप पर भगवान गणेश जी की कृपा है कि कठुआ की पावन धरती पर ये उत्सव जो है होने जा रहा है। मेरा सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है, आप आए कल 11:30 बजे से 2:30 बजे तक गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना है, आप परिवार सहित आए। ओम श्री गणेश। ये इसका विसर्जन गणपति जी का कितने बजे? जो अनंत चतुर्थी होती है, अनंत चतुर्थी के दिन संध्या काल में 4 बजे और 6 बजे के बीच में गणपति बप्पा का विसर्जन होता है, हर वर्ष की भांति होता है। और इसमें जैसे मुख्य अतिथि के रूप में जब रात्रि के जो कार्यक्रम होते हैं, मुख्य अतिथियों को हम रात्रि के कार्यक्रम में बुलाते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग बड़े व्यस्त होते हैं, पूजा हवन हर रोज होता है 4 घंटे, तो इसलिए संध्या काल के समय हर रोज किसी ना किसी, जैसे जितनी भी जाति बरादरी हैं उनके जो प्रधान हैं उनको हमने निमंत्रण दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं उनको बुलाया गया है, कुछ महान लोग हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, उन लोगों को हम यहाँ सम्मानित करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है।